इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित फिर एक बार व्यक्ति की हैवानियत कर देने वाली तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पूरा घटनाक्रम में स्वयं की स्पोर्ट्स की एयर गन से श्वान को घायल कर दिया गया, जिसके कारण श्वान की मौत हो गई। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी अमरिंदर सिंह के मुताबिक लसूड़िया थाना क्षेत्र के सिंगापुर टाउनशिप में रहने वाले पंकज नामक व्यक्ति द्वारा श्वान पर स्पोर्ट में प्रयोग आने वाली एयर गन के छर्रे से श्वान को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसके कारण श्वान की मौत हो गई। पूरे मामले में पीपल्स फॉर एनिमल संस्था द्वारा जानकारी लगी तो लसूड़िया थाने पर सीसीटीवी के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा इस हैवानियत को अंजाम देने वाले व्यक्ति पंकज पर वैधानिक कार्रवाई की गई, तो वहीं पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सिंगापुर जो टाउनशिप है उसमें कल शाम को लगभग 6-7 बजे के आसपास एक घटना हुई है, जिसमें एक वहाँ का लोकल रेसिडेंट जिनका नाम पंकज है, उनके आसपास कोई जो डॉग्स होंगे तो उनको वहाँ 4-5 डॉग घूम रहे थे घर के आसपास, और उसमें उन्होंने अपनी जो स्पोर्ट्स वाली जो एयर गन होती है उससे 3-4 डॉग्स को उसमें मारा है और उसमें एक डॉग की डेथ हुई है। इसमें जो प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी एनिमल्स के लिए जो एक हेल्पलाइन है, उनके जो एनजीओ की संस्था है उनके द्वारा इसमें एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, और पुलिस ने इसमें जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं धारा जो 11 प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी टू एनिमल्स और 325 जो बीएनएस है उसके तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और प्रकरण को इन्वेस्टिगेशन लिया गया। हाँ, इसमें जो आरोपी पंकज है जो वहाँ का रहने वाला है उनके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई की गई है। अभी जो प्रारंभिक रूप से कई बार जो कॉलोनी में डॉग्स वगैरह रहते हैं, कई बार बच्चों को निकलना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है, तो इस बात को लेकर थोड़ा वो परेशान थे और इसी बात को लेकर के जो वहाँ पे आसपास के डॉग थे उसमें उनको मारा है। हाँ, मतलब निसंदेह इस प्रकार का जो चाहे वो कोई भी एयर गन हो या कुछ हो, लेकिन कई बार अगर कहीं कोई इस तरह की फायरिंग या कोई फायर करता है तो एक फैटल तो घातक होता है जो किसी के लिए भी नुकसानदायक, मतलब जीवन को संकट में डालने वाला होता है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।